मजबूत होते हैं या नहीं इस बात को भले ही विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन दुनिया भर में कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो कि भूतों के होने का प्रमाण देते हैं। दुनिया भर में कई रेलवे स्टेशन हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ आत्माएं भटकती रहती है। कुछ स्टेशन तो ऐसे की है जिन्हें भूतों के डर से बंद कर दिया गया है। ऐसा ही रेलवे स्टेशन पुरुलिया जिले से 43 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है, जहां साल 1972 में आखिरी बार ट्रेन चली थी। माना जाता है कि ये स्टेशन भूतिया है। इस दुनिया भर में कई भूतिया स्टेशन हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, ये मेट्रो स्टेशन कोलकाता में स्थित है। इस स्टेशन का नाम रविंद्र सरोवर है। इस मेट्रो स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भूतों का साया है। रात 10 बजे यहाँ से आखिर मेट्रो गुजरती है। उस समय कई मुसाफिर और मेट्रो के ड्राइवर ने भी किसी के होने अनुभव किया है। मेट्रो ट्रैक के बीच अचानक कोई धुंधला साया प्रकट होता है और पल में ही गायब हो जाता है। नंबर 2, ये भूतिया रेलवे स्टेशन आयरलैंड में स्थित है। स्टेशन का नाम कोनोली है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्टेशन को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन जब 2011 में फिर से इस स्टेशन को बनाया गया तो यहाँ पर सैनिकों के भूत दिखने लगे, जिसके बाद इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। नंबर 3, ये रेलवे स्टेशन कहा जाता है, ये एक ट्रेन ड्राइवर की मौत हो गई थी, इसके बाद से उसका साया यहाँ भटकता हुआ दिखता था। इस घटना के कारण स्टेशन गिरा दिया गया। नंबर 4, ये रेलवे स्टेशन ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका नाम मैकवेरी फील्ड्स है। कहा जाता है कि यहाँ देर रात को खून से लथपथ एक युवती भटकती नजर आती है। नंबर 5, ये रेलवे स्टेशन चीन में स्थित है। कहते कि ये एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, इसके बाद से स्टेशन पर रात के समय चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। इस स्टेशन पर अचानक 9 लोगों की मौत के बाद ये सुनते थे, यहाँ कोई रहस्यमयी हाथ दिखता है जो लोगों को मार देता है। इसे बाद में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। नंबर 6, ये रेलवे स्टेशन कनाडा में है। इस स्टेशन को लोग भूतिया मानते हैं। कहा जाता है कि ये कई बार सफेद कपड़े में एक महिला डांस करते हुए दिखती है, लेकिन जैसे ही कोई उस महिला के पास जाता है वह गायब हो जाता है। शायद प्रकृति की बहुत ही सुंदर और मीठी देन है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है दादी भानी, जो सीधा मधुमक्खियों के छत्तों से निकलकर आपकी चम्मच तक पहुंचता है बिना किसी मेडिकल प्रोसेस या मिलावट के। यह आपको कच्चे शहद के अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है। आप इस पर भरोसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि यह देश के बाहर भी जाता है और इसको जर्मन की लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया जा चुका है।